दोस्तों, आप अपने शरीर को फिट और एक्टिव रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने मन को स्वस्थ, दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए क्या करते हैं? कई बार बढ़ती उम्र के कारण दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगती है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भूलने की समस्या है, कुछ भी चीज़ें याद नहीं कर पाते, चाहे स्टूडेंट हो या फिर बढ़ती उम्र की वजह से हो। कई लोग आंखों की दिक्कतों से परेशान हैं, आंखों से पानी आना, धुंधला दिखना, दूर पास का ना दिखना, इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एक बेहद ही जबरदस्त औषधि के बारे में बताने वाला हूं। आज हम घर पर एक चूर्ण बनाएंगे, औषधि बनाएंगे इस तरह का, और रोजाना इसका सेवन करेंगे। दोस्तों, ये जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं, इनमें जितनी चीज़ों का उपयोग किया गया है वो सारे के सारे नेचुरल हैं। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप बच्चे, बूढ़े, जवान, बड़े, स्त्री पुरुष सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे काजू। दिमाग तेज करने के लिए काजू बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा दिमाग में ब्लड फ्लो को ठीक तरीके से मेंटेन करता है, जिससे दिमाग एक्टिव रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा मैग्नीशियम में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, जो स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। काजू दोस्तों एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जैक्सिन से समृद्ध होता है। जैक्सिन वो पोषक तत्व है जो हमारी रेटिना होती है उसे सीधा अवशोषित करती है। यह हमारे रेटिना पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है जो हानिकारक यूवी किरणों को रोकने का काम करता है, जिससे आंखों की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रहती है। इसके अलावा भी दोस्तों, काजू के बहुत से फायदे हैं। हार्ट के लिए फायदेमंद है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए फायदेमंद है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 10 से 15 काजू एक बाउल में लेंगे। अब इसमें अगली चीज जो ऐड करनी है वो है बादाम। दोस्तों, इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 आपके दिमाग को हेल्दी रखता है। बादाम खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है। दोस्तों, बादाम को बहुत सालों से हमारी दादी नानी के समय से ही दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और आप घर में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे तो वह इसके दिमागी फायदे गिना सकता है। दोस्तों, बादाम यानी कि आलमंड में 26% कार्बोहाइड्रेट होता है, 14% फाइबर होता है और 21% तक प्रोटीन होता है, और इसके अलावा इसमें सभी तरह के जरूरी एमिनो एसिड्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं। विटामिन ई होता है, और आपको पता है कि विटामिन ई आपकी दिमाग की कोशिकाओं की एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे आपका दिमाग लंबे समय तक एक्टिव रहता है। इसके अलावा आप ये अच्छी तरह से जानते ही हो कि बादाम जो है आंखों के लिए कितना फायदेमंद है। आंखों के हर प्रकार के रोग, जैसे पानी गिरना, आंखें आना, आंखों की कमजोरी, इन सभी रोगों में बादाम जो है टॉनिक की तरह काम करती है। तो हमें यहाँ पर 20 से 25 बादाम लेने हैं। अब आपको अगली चीज जो चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज दिमाग को हेल्दी रखने के लिए काफी अच्छा होता है। इसमें जिंक होता है, और जिंक जो है मेमोरी पावर को बढ़ाता है, साथ ही थिंकिंग स्किल्स को भी बेहतर करता है। अलसी के फायदे देखा जाए तो बहुत से फायदे होते हैं। इसमें फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, और साथ ही साथ इसमें 100 प्रकार के लिग्निन्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, समय से पहले चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, चेहरा डल दिखता है, स्किन टायर्ड लगता है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द की समस्या हो, दिल की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, इन सभी रोगों में अलसी जो है रामबाण है। ये किसी दवाई से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अलसी को आप अगर सही मात्रा में खाओगे, यानी कि सही क्वांटिटी में खाओगे, तो आपको कभी भी ये नुकसान नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, हमें 2 चम्मच अलसी लेने हैं, और अलसी को थोड़ा सा भून लेना है, ठीक है, इसे थोड़ा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से इसका जो स्वाद है वो अच्छा हो जाता है, तो हल्का सा गर्म कर लेना है। भूनने के बाद काजू बादाम के साथ इसे ऐड कर देना है, और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर के जार में डाल दें। अब दोस्तों, आपको आखिरी चीज चाहिए, वो है सौंफ, बड़ी सौंफ। इस तरह का सौंफ आपको लेने हैं। सौंफ दोस्तों हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ये हमारी आंखों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, और सदियों से ही सौंफ का इस्तेमाल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। अब हम यहाँ पर 4 चम्मच सौंफ लेंगे। इसके अलावा आप मिठास के लिए इसमें मिश्री ऐड कर सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो, शुगर की समस्या है, तो मिश्री ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका ही चूर्ण बना लेना है। देखिए, मैंने चूर्ण बना लिया है, ये चूर्ण इस तरह का दिखेगा। अब आपको इसका सेवन कैसे करना है जरा वो देख लीजिए। बच्चों को और बड़ों को दोनों को अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्रा में ही सेवन करना है। तो रात को 1 गिलास हल्के गर्म दूध में इसका 2 चम्मच, जी हाँ,
बड़ों को 2 चम्मच देना है और बच्चों को 1 चम्मच देना है। इसे मिक्स करना है और सोने से आधे घंटे पहले पी लेना है। इसे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इसका रिजल्ट महसूस होने लगेगा। अगर आपको भूलने की आदत है या फिर आपका दिमाग बहुत कमज़ोर है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग एक्टिव नहीं रहता, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते, उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो उन बच्चों को भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को अभी से इस पाउडर को दोगे तो भविष्य में यानी आने वाले समय में उन्हें दिमागी प्रॉब्लम या आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखिए कि आजकल बच्चे जो हैं मोबाइल मांगते हैं। जी हाँ, मोबाइल बच्चों को ना दें। अगर वो जिद करें तो 10 से 15 मिनट के लिए दे सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है मैंने जो 2-2, 3-3 घंटे तक मोबाइल पे आंखें गड़ाए रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं। तो उनकी सेहत के लिए, उनकी आंखों की सेहत के लिए और दिमागी सेहत के लिए उनको मोबाइल कम ही यूज़ करने के लिए दें। इसके अलावा आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको इसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं जिनका याददाश्त कमजोर है या फिर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंखों पर चश्मा लगा है, तो वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखिए कि पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठकर इत्मीनान से पीना है, ठंडा पानी फ्रिज का पानी नहीं पीना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, पानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पीना है, और रोज सुबह जब भी उठें तो बासी मुंह बगैर कुल्ला किए हमें 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। स्लाइवा सुबह सुबह हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। ये जानकारी दोस्तों मैं हर वीडियो में देता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये बात, और आप जब भी पानी पियो खड़े होकर तो मेरी बात याद आनी चाहिए आपको कि हाँ, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि हर कोई स्वस्थ रहे, आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम अपनाएं और खुशहाली और स्वस्थ भरी जिंदगी जिए। इसके अलावा दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्राटकासन कीजिए। इस आसन को करने के लिए सबसे सही समय रात का है, लेकिन आप चाहे तो इसे दिन में भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए दिन के समय कमरे में अंधेरा कर लें और मोमबत्ती जलाकर प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाएं। अब आप बिना पलक झपकाए मोमबत्ती को देखते रहें। इसके बाद आंखें बंद करके ओम का मध्यम आवाज में उच्चारण करें और फिर आंखें खोल लें। इस आसन को कम से कम 3 बार करें और उसके बाद हथेलियों को आपस में रगड़ें और फिर उस गर्म हथेली से आंखों को स्पर्श करते हुए आंखें खोलें। इससे आंखों की रोशनी बड़ी ही तेजी से बढ़ती है। ये आसन करते हो तो बुढ़ापे तक आंखों में कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है आंखों में तो त्राटकासन जरूर कीजिए। इसके अलावा आप सर्वांगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से भी बहुत फायदा मिलता है, योग को अपनाइए अपने जीवन में। तो दोस्तों, आज हमने जाना आंखों की रोशनी तेज करने वाले और दिमाग को तेज करने वाले कुछ उपायों के बारे में और योगासन के बारे में। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे कृपया करके लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।